स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास बिलियन डॉलर का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूरी नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी के बाद संभालना है, वो कर लेगा। हमारे देश में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जाता है, टीचर के अपॉइंटमेंट पर बल दिया जाता है, वो काम हो भी रहा है, लेकिन समय की मांग है क्वालिटी एजुकेशन की। गरीब से गरीब, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाला व्यक्ति हो, पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति हो, मैं ऐसे कैसे चीजों को खोज के निकालूं कि उसी क्वालिटी का एजुकेशन जो अमीर घराने के बच्चों को मिलता है, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा गरीब से गरीब तक मैं कैसे पहुंचाऊं। और देश तब बदलेगा कि हम समाज के आखिरी इंसान को इस सुविधाओं से लाभान्वित करके उसकी जिंदगी बदलने का अवसर दे। हमें उसको फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है तो वहां भी ऐसे स्पार्क वाले बच्चे होंगे जो उठ करके खड़े हो जाएंगे और दुनिया बदल देंगे। हेल्थ सेक्टर ज्यादातर डॉक्टरों पर डिपेंडेंट कम है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। डॉक्टर भी खुद टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। मशीन तय करता है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, फिर डॉक्टर कहता है ठीक है मैं किताब देख कर ले लो। इसका मतलब हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है, लेकिन भारत जैसे देश में ये अफोर्डेबल कैसे हो, ये हमारे सामने चुनौती है। सस्ते में सस्ता व्यवस्था का कैसे बने, इस पर हम सोचे, नए पन से सोचे। और इसलिए स्टार्टअप कहने के बाद कुछ लोगों की सोच होती है तो बड़ा हाईफाई होगा, लैपटॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी, मोबाइल से जुड़े होंगे। ऐसा नहीं है, ये लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई कमाल किए, यहां हर प्रकार के लोग हैं। स्टार्टअप इंडिया तो मैं मान के चलता हूं स्टैंडअप इंडिया, इसके लिए मुझे अलग सोच करने की जरूरत नहीं है। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो, जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो, हाथ में हुनर हो, अपरंपार सपने हो और पूरी दुनिया में अवकाश ही अवकाश हो, क्या नहीं हो सकता है। आज मैं आईटी प्रोफेशनल से कहना चाहूंगा, विश्व के किसी भी दुनिया के देश के नेताओं से मैं मिलता हूं, दुनिया का कोई भी डेलीगेशन आता है, उनकी जो बातों में होती है उसमें एक चिंता हर एक को सता रही है और वो है साइबर सिक्योरिटी। हर कोई परेशान है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। क्या भारत साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अथॉरिटी बन सकता है? एक बार हिंदुस्तान का ब्रांड का साइबर सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर मिल गया, अब दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती है। कर सकते हैं क्या? मानव जात के लिए चुनौतियां आवश्यक हैं, क्योंकि सरफरे लोग तो हैं जो तबाही करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम मानवता को बचा भी तो सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार के लोग हैं। और ये भी सही है, भारत के पास मिलियंस ऑफ मिलियन प्रॉब्लम है, कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इस बात का भरोसा भी है कि बिलियंस ऑफ बिलियन माइंड भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन माइंड भी तो हमारे देश में है। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए, और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा जी। जब किसी की जिंदगी में बदलाव लाता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसलिए
मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं।